मेयो में कोविड संक्रमित महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी सावधानी के साथ नवजात शिशु को बचा लिया। डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सागर पांडे ने बताया कि यह शहर का पहला मामला है जिसमें कोविड पॉजिटिव महिला की प्रसव के बाद मौत हुई है। बुधवार की दोपहर हनुमान नगर जोन अंतर्गत कई इलाकों में उस समय अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया जब मनपा के प्रवर्तन विभाग का दस्ता दलबल के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचा। उल्लेखनीय है कि हनुमान नगर जोन में नियमित रूप से प्रवर्तन विभाग के दस्ते की ओर से कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपन्न होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जिला प्रशासन समन्वय से 1,00,000 पैकेट प्रसाद का वितरण किया जाएगा। पूरी अयोध्या को रंगीन LED लाइटों बिजली झालरों से सजाया जाएगा। राज्य सरकार ने आज महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया, पर शॉपिंग मॉल एवं कुछ खेलों की मंजूरी दे दी है। चूंकि गणेशोत्सव 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसीलिए इस दौरान लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के शेष नियम पूर्ववत रहेंगे। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को आज मंजूरी दे दी है। 34 वर्षों के बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है जिसमें पढ़ाई के साथ स्किल पर जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से ली गई 10वीं की परीक्षा में मनपा स्कूलों का 85.25% परिणाम रहा है। इसमें लड़कियों ने बाजी मारी। जुलाई महीने में ही नागपुर में सर्वाधिक बारिश होती है, लेकिन इस बार जुलाई महीने में अब तक अधिकांश समय बादल शांत रहे। हालात यह हुई कि जून में जो बारिश के आंकड़े सामान्य 30% ऊपर चल रहे थे, वही 29 जुलाई को शून्य स्तर पर आ गया है। राज्य शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। परीक्षा में छात्राओं ने दमदार प्रदर्शन करते हुए छात्रों को अंक के लिहाज से काफी पीछे छोड़ दिया। पढ़ाई के साथ ही खेल संगीत व कला क्षेत्र में भी छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 100% अंक हासिल किए। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार को जिले में सर्वाधिक 305 संक्रमित मिले और 10 की मौत हो गई है। 305 पॉजिटिव में नागपुर शहर के 225 और ग्रामीण के 80 संक्रमित है। संक्रमितों की कुल संख्या 4,792 और 109 मरीजों की मौत हुई है। बुधवार को सर्वाधिक 779 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जो एक ही दिन में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से मंगलवार को शहर में अफवाह फैल गई कि ईद उल अजहा एवं रक्षाबंधन के दौरान लॉकडाउन रहेगा। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी वायरल हो रही है। लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय में कोई भी बैठक नहीं हुई।